गिरिनवाड मीडिया प्रेजेंट के तहत डेंजरस क्लाउन जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे बीएस अली खान साहब हैं, इन्होंने अब तक 3 बड़ी फिल्में बनाया जो इस मार्केट में बहुत सक्सेस रही। मेरा अल्लाह पाक से दुआ है कि इंशाल्लाह फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट होगी। और ये जो धर्मवीर धर्मेंद्र जोड़ी है, एक सूरज एक अली खान, ये दो जिसमें एक जान है। मैं चाहता हूँ कि आगे चल के इस मुंबई शहर में क्या पूरे भारत में इनका नाम बिल्कुल प्रख्यात हो, विख्यात हो, तमाम इनका नाम रोशन हो, यही मेरी दुआ है। आप लोगों से भी मेरा गुजारिश है कि आप इनके लिए दुआएं भी करिए ताकि ये आने वाले इस ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत फेमस हो सके। धन्यवाद। ये 3-3 फिल्मों का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम दिनेश है। हम लोग का टारगेट था हिंदी फिल्म फर्स्ट लव स्टोरी से शुरू होता है। हमारे मित्र सूरज भारती जिनका टारगेट था 1213, जिसका नाम दिया है उन्होंने, है ना, हॉरर नाइट। अच्छा अच्छा टारगेट लेके चले थे और मस्त फिल्म बना। हम लोग साथ में ही हैं। फर्स्ट लव स्टोरी कंप्लीट हो गई है, 25% खाली बाकी है। हम लोग 10 तारीख से उसको कंप्लीट करेंगे और हॉरर नाइट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अब जो हमने 3 फिल्मों का अनाउंसमेंट किया है, इंशाल्लाह एक साथ लेके चलेंगे। सूरज और मैं दोनों एक ही हैं। तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्या क्या है? अगर एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं भक्ति, है ना, माँ की स्थापना। हमने शुरू किया है गरीब गांव से, जहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, गरीबी का प्रॉब्लम, पैसा नहीं लोगों के पास, है ना। वहाँ पे कोई एक बच्ची पैदा होती है उनके परिवार में और वो बच्ची से बहुत कुछ उनको मिलता है ऐसा, और जो भी मिलता है वैसा मिलता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा है, है ना। हमारे राइटर हैं लक्ष्मी जी, उन्होंने वो फिल्म लिखी है द डेंजरस क्लोन, मैं खुद लिख रहा हूँ एज ए राइटर। और एक और यहाँ पे पीछे दिखाई दे रहा है गेम 50-50। हाँ, गेम 50-50 हॉरर टाइप भी है और कॉमेडी भी है, दोनों मिक्स हैं। और वो मेरे अजीज सूरज बता सकते हैं। एक्चुअली गेम 50-50 जो कॉन्सेप्ट है वो मर्डर मिस्ट्री रिलेटेड है और कुछ नया मार्केट में आने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देन मार्केट में क्या आने वाला नहीं आने वाला है वो आप तो पर्दे पे देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। कहानी की इंस्पिरेशन ये है कि एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है और उस पार्टी में कितने तरह के गेम होते हैं जो हमारे इंडस्ट्री के बड़े तुर्रम खान बिजनेसमैन होते हैं। अच्छा, तो वो लोग गेम करते हैं, लोगों को मालूम नहीं पड़ती है एक्चुअल में पार्टी कैसी होती है ऐसा, और ये किसने ऑर्गेनाइज किया। बहुत बड़ी पार्टी है ये, एक्चुअल में ये रेप पार्टी है जो बड़े स्तर पे किया जाता है। और उस पार्टी के अंदर ऑडियंस जो आम पब्लिक है उनको मालूम नहीं पड़ता है पार्टी किस लिए है। और उस पार्टी के अंदर बहुत गोरख धंधे होते हैं, उसको हमने उजागर किया है फिल्म के तहत। हमारे फिल्म के जो राइटर हैं मिस्टर रंजू साइक्लोनी, मर्डर मिस्ट्री हॉरर में एकदम मास्टर हैं ऐसा। देन वो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। बाकी फिल्म रिलीज होने के बाद आप लोग खुद देखते हैं। तो इस तरह की जो फिल्में हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो बड़े पैमाने पे रैकेट चलते हैं पार्टीज़ में, तो इस तरह की फिल्में में सेंसर से कितना सामना करना पड़ेगा, सेंसर बोर्ड से, और उसके लिए क्या प्रिपरेशन है या फिर पहले बात है? सेंसर बोर्ड से तो सामना होता ही है, बट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम अगर सीन शूट करते हैं तो सेंसर बोर्ड उन्हें कट नहीं कर सकती, बट उसके अलावा कुछ और ही ऐसा अदर शूट करते हैं तो सेंसर बोर्ड ऑब्जेक्शन करती है। बट कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, अगर कॉन्सेप्ट से हम जुड़े हुए हैं तो कोई भी सेंसर बोर्ड ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। चलिए चलते चलते लास्ट में एक बार मुझे बता दीजिए कि इस फिल्म में आपके साथ एक्टर कौन कौन है और किस तरह के एक्टर? सपोर्टिंग आर्टिस्ट सब मार्केट के रहेंगे। धुरंधर हम पिछली फिल्म भी किए हैं तो काफ़ी सपोर्टिंग के आर्टिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हैं। बाकी डायरेक्शन एंड जो राइटिंग है वो वर्क आप देखना चाहेंगे तो प्लीज़ थिएटर में आइए और आप देख सकते हैं गेम 50-50 क्या कॉन्सेप्ट। चलिए, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर। थैंक यू।